to the country i would like to say first and foremost i am sorry i have given this job my all but you have sent a clear signal that the government of the united kingdom must change and yours is the only judgement that matters i have heard your anger your disappointment and i take responsibility for this loss to all the conservative candidates and campaigners who worked tirelessly but without success, I'm sorry that we could not deliver what your efforts deserved. It pains me to think how many good colleagues who contributed so much to their communities and our country will now no longer sit in the House of Commons. I thank them for their hard work and their service. Following this result, I will step down as party leader, not immediately. हुकूमत के नाम पर को परेशान करने वाले एंटी पीपल एलिमेंट्स को ऐसे ही हराना चाहिए जैसे यूके के वोटरों ने ऋषि सुनक की अगुवाई वाली कंजरवेटिव सरकार और पार्टी को बुरी तरह से हराया है ओपोजिशन लेबर पार्टी को वहां की अवाम ने 400 पार करा दिया खैर अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे वैसे वेस्ट में कुछ सालों से गजब का सियासी तमाशा चल रहा है जो भी नेता पुटिन को हटाने की बात करता है या करती है अवाम उसे ही हटा देती है कहाँ तो दामाद जी बोले थे कि अब की बार चार सौ पार पर अब हुआ यूं कि दोनों मतलब यानी अपने वाले साहब और वहां वाले मिलकर भी सिर्फ तीन सौ पार निकल पाए हैं अब एक बार फिर यह साबित हो गया है कि साहेब जिसके भी गले पड़े उसका खेला हो गया कुल मिलाकर भारत में तो नहीं हो सका पर ब्रिटेन में ऑपोजिशन की लेबर पार्टी ने अब की बार चार पार कर लिया है हालांकि उन्होंने ये नारा दिया था ही नहीं फिर भी लेबर पार्टी 400 से पार कर रही है वहां के एग्जिट पोल भी 400 पार का अंदाजा लगाए हुए थे और सही साबित भी हो रहा है हाँ ऋषि सुनक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे सियासी तमाशे पर नजर रखने वालों के लिए ये हफ्ता काफी बिजी रहा ब्रिटेन में चुनावी नतीजे आए हैं ईरान कल एक प्रिंसिपलिस्ट और मॉडरेट में से अपना अगला प्रेसिडेंट चुनेगा फ्रांस में भी संडे को वोटिंग हो रही है वहां फार राइट यानी धुर दक्षिण पंथ सत्ता के उरूज पर है इस बीच हिजबुल्ला और इसराइल की जंग तेजी से बढ़ रही है खैर इंग्लैंड में सियासी रेवोल्यूशन यानी क्रांति हो गई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई है लेबर पार्टी की एक तरफा जीत हुई है और चौदह सालों के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौटी है ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पार्टी को शर्मनाक हार देखनी पड़ी है हमारे लिए खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान और नेपाल की बड़ी तादाद में वहां वोटर्स मौजूद हैं लेकिन उसमें से एक अंदाजे के मुताबिक 70 परसेंट ने ऋषि सुनक को निकालकर बाहर किया है इसका मतलब यह है कि अब धर्म जाति या झूठी जज्बाती ड्रामेबाजी का वक्त खत्म हो चुका है सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी उस वक्त जब पूरा इंग्लैंड लॉकडाउन में बेहाल था तब इनकी पार्टी के नेता मंत्री मौज मस्ती और पार्टियां कर रहे थे दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बड़ी हार के पीछे एक के बाद एक आई स्कैंडल्स रहे हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को चोट पहुंची है इनकी सियासत पर से लोगों का भरोसा भी हट गया है या कंजर्वेटिव पार्टी की शर्मनाक चुनावी शिकस्त की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो पिछले 14 बरस से सरकार चला रहे थे और आवाम उनसे ऊब चुकी थी साथ ही इस हार के पीछे एक के बाद एक इनकी करी गई गलतियां और घोटाले भी रहे हैं इनमें से ज्यादातर घोटालों पर से तो हाल के दिनों में ही पर्दा उठा था यहां पर मैं आपको बता दूं कि लेबर पार्टी ट्रेडिशनल तौर से आइडियोलॉजी पर बेस्ड अपनी फॉरेन पॉलिसी पर चलती रही है ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स को लेकर लेबर पार्टी अक्सर भारत और दूसरे मुल्कों को क्रिटिसाइज करती रही है भारत की सरकार ने इसे कभी पसंद नहीं किया है अगर स्टॉमर भारत के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने चाहते हैं तो फिर उनको भारत को यह यकीन दिलाना होगा कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी पर चलेंगे आपको बता दूं कि पिछली संसद में लेबर पार्टी के पंद्रह सांसद पाकिस्तानी ओरिजिन के थे जबकि भारतीय ओरिजिन के सिर्फ छह सांसद थे जाहिर सी बात है कि लेबर पार्टी की सरकार पर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों का दबाव होगा अब यह देखना होगा कि ब्रिटेन की नई सरकार इन दोनों के बीच किस तरह बैलेंस बनाकर रखती है दोस्तों जर्मी कॉर्बिन की अगुवाई में लेबर पार्टी ने 2019 में अपने सालाना जलसे में एक प्रपोजल पास किया था इस प्रपोजल में डिक्लेयर किया गया था कि कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई है प्रपोजल में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया था कि कश्मीर को खुद फैसला लेने का हक दिया जाना चाहिए भारत ने इस प्रपोजल का सख्ती से विरोध किया था तब लेबर पार्टी के नेता कियर स्टॉर्मर ने सफाई दी थी कि, कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है हालांकि तब तक, तक बात बिगड़ चुकी थी वैसे तो कियर स्टॉर्मर एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल नेता है लेकिन तमाम जानकार आगाह कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का आगे का सफर फिसलन भरा हो सकता है क्योंकि ऐसे कई मसले अभी दबे हुए हैं जो लेबर पार्टी की सरकार के दौरान ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में कड़वाहट की वजह बन सकते हैं इसमें लेबर पार्टी के वैल्यूज पर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी पर चलने का झुकाव भी शामिल है ऐसी पॉलिसीज में ह्यूमन राइट्स जैसे मसलों पर काफी जोर दिया जाता है इसके अलावा उन्हें अपने वोटर्स के कई तबकों को खुश करना भी होता है ब्रिटेन में भारतीय ओरिजिन के तकरीबन पंद्रह लाख लोग रहते हैं वहीं पाकिस्तानी ओरिजिन के भी तकरीबन लाख लोग वहां बसते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रिटेन में काफी एक्टिव है जो भारत की सोवरेनिटी को चुनौती देते हैं इन बातों के अलावा दुनिया की मैक्रो और जियो बदलावों का भी भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर उल्टा असर हो सकता है दोस्तों जानकारों का मानना है कि अगर नई सरकार में डेविड लेमी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि डेविड लेमी को साउथ एशियाई मामलों की अच्छी समझ है लेकिन तमाम जानकार ये भी याद दिला रहे हैं कि भारत की मौजूदा सरकार एक गठबंधन सरकार है इससे बैलेंस बनता नहीं दिख रहा है वहीं ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि कियर स्टार्मर सरकार के राज में एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में हाई लेवल गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों जब जर्मी कॉर्बिन लेबर पार्टी के नेता हुआ करते थे तब भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे पर स्टार्मर और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे इशारा मिलता है कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं खैर अब तक के नतीजों में लेबर पार्टी को ब्रिटेन की 650 सीटों में से 411 सीटों पर जीत मिली है और कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटों पर सिमट कर रह गई है लेबर पार्टी की यह जीत 1997 के बाद की सबसे बड़ी जीत है तब टोनी ब्लेयर की में लेबर पार्टी को दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वोटिंग की तारीख आने से काफी पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जीत की उम्मीद का दामन छोड़ दिया था वो वोटरों से यही अपील कर रहे थे की लेबर पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता की कमान न सौपे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार पर कोविड 19 महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर भी सवाल उठे थे उस वक्त के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी सरकार के मंत्रियों ने लॉकडाउन के रूल्स का वॉयलेशन किया था जब इसको लेकर बवाल बढ़ा था तो बोरिस जॉनसन की जगह एलिजाबेथ ट्रस्ट को प्रधानमंत्री बनाया गया था लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी खराब थी कि लिस्ट ट्रस्ट सिर्फ 40 दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही बैठ सकी इसके बाद भारतीय ओरिजिन के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सत्ता संभाली थी सुनक की सरकार लोगों की इकोनॉमिक तंगाली महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझती रही हाल ही में सट्टेबाजी का एक घोटाला भी सामने आया जिसमें ऋषि सुनक के करीबी और उनकी सरकार के मेंबर्स भी शामिल थे दोस्तों इंग्लैंड की इकॉनमी काफी बदहाल है और काफी बुरे दौर से गुजर रही है नौकरी है नहीं धंधा बहुत मंदा है लोग परेशान हैं। करप्शन में लिप्त रहने का सत्तारूढ़ दल पर इल्जाम लगे हुए थे रोआंडा इमिग्रेशन पॉलिसी का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनक सरकार को ही झेलना पड़ा था उनकी पार्टी से इस मुद्दे पर आ रहे सिली आइडियाज ब्रिटिशर्स को और ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे ऐसा महसूस हो रहा था कि सुनक की पार्टी में इस बात की होड़ मची हुई थी कि चुनाव कैसे हारा जाए सुनक खुद अपना चुनाव तो किसी तरह जीत गए लेकिन उनकी अगुवाई वाली पार्टी बैड गवर्नेंस और मजाक का सिंबल बनकर उभरी Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation. I want to thank the outgoing Prime Minister, Rishi Sunak. His achievement. As the first British Asian Prime Minister of our country, the extra effort that that will have required should not be underestimated by anyone. And we pay tribute to that today. And we also recognise the dedication and hard work he brought to his leadership. But now our country has voted decisively. For change, for national renewal, and a return of politics to public service. When the gap between the sacrifices made by people and the service they receive from politicians grows this big, it leads to a weariness in the heart of a nation, a draining away of the hope, the spirit, the belief. In a better future, that we need to move forward together. Now, this wound, this lack of trust, can only be healed by actions, not words. I know that. But we can make a start today with the simple acknowledgement that public service is a privilege. And that your government should treat every single person in this country with respect. आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जय हिंद सत्यमेव जयते अल्लाह हाफिज दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो फिर आप अपना इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडल है एट द रेट ऑफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में